अपडेट। तो आज का जो वीडियो है वो एक मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है। तो आज जो मैं आपके साथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, मैं आपके साथ वो ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ कि अगर हम जीन्स के साथ डेनिम शर्ट पहनते हैं तो हमें उसके साथ कैसा मेकअप करना चाहिए। गाइस, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरे को जैसा मेकअप आता है, मेरे को जो अच्छा लगता है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट डू एनी निगेटिव कमेंट। तो आज का जो लुक होने वाला है वो एक सिंपल मूवी डेट लुक होने वाला है, या डिनर डेट लुक होने वाला है। अब उसके लिए आप बाहर पार्लर में पैसे खर्च करो इतना तो नहीं है। तो बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये लुक देखना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और साथ में इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना मत भूलेगा। और साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम है आई एम साक्षी नागर। वहाँ हम बात करते हैं फैशन, लाइफस्टाइल और भी वहाँ पर मैं अपने डेली ब्लॉग्स में बहुत सारी डेली रिलेटेड लाइफ की रिलेटेड मैं चीज़ें वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो को लास्ट। फर्स्ट स्टेप होगा अपने बालों को अच्छे से ड्राई करना। तो कभी भी अब अगर हम मेकअप करते हैं तो पहले हमें अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि अगर मेरा फेस क्लीन रहेगा तो मेरा मेकअप बिल्कुल इवन टोन लगेगा। तो मैं क्या यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है फेस क्लीन करने के लिए, हमारे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है एज अ क्लींजर, टॉनिंग, मॉइस्चराइजर। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है गुलाब जल वाली तो आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब फेस अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं इसको क्या करूंगी, अच्छे से अपना फेस हाइड्रेट करूंगी गुलाब जल से ही, क्योंकि अभी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं अच्छे से अपने फेस को पहले अच्छे से टॉनिंग करूंगी ताकि मेरा जो मेकअप है वो बहुत इवन टोन लगे और मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश लगे। अच्छे से टैप टैप करके इसे अच्छे से टैप टैप कर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्राइमर। अगर हम अपने फेस पे प्राइमर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा। यहाँ प्राइमर की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर के लिए लैक्मे पीच मिल्क, बहुत अच्छा है गाइज, बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। जल्दी इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं अपनी फिंगर से पहले इसको लगाने वाली हूँ, फिंगर से लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से अपनी स्किन पे लगा लूँगी। इस पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना, ताकि मैं लास्ट में लिपस्टिक लगाऊँ तो मेरी लिपस्टिक पे कोई पैचेस ना आए, कोई हार्श लाइन ना आए मेरे लिप्स पे, डेड स्किन, इससे मेरे क्या होगा, मेरे लिप्स बहुत मॉइस्चराइज रहेंगे। तो अभी मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पे मैंने वैसलीन यूज़ किया, क्योंकि मेरा लिप बम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं हम सब लॉकडाउन में हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फाउंडेशन अप्लाई करना। तो फाउंडेशन के लिए यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं मेबलिन का 24 आवर्स वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। बस इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी मुझे सही नहीं लगी। इस पर क्या करना है, जब हम इसे फिंगर्स की हेल्प से डॉट डॉट बना के इसको हम जब अप्लाई करते हैं तो गाइस पहले हमेशा एक साइड हमें इसको अप्लाई करना है, दूसरी साइड नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी सोख जाता है। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने इसको पूरी फिंगर से अभी इस पर डॉट डॉट बना के इसको अप्लाई किया था। तो पहले मुझे एक साइड अप्लाई करना था क्योंकि ये बहुत जल्दी सोख गया था, फिर जितना फाउंडेशन इतनी जल्दी मैं अप्लाई नहीं कर पाती। तो अभी डैप डैप करके मैंने इसे क्या किया, मैंने अपनी फिंगर से ही इसको मैंने अप्लाई किया। तो मुझे देखना था क्योंकि मैंने पहली बार ये फाउंडेशन ट्राई किया था, तो गाइज बहुत ही इजीली स्प्रेड हो गया था, बहुत अच्छा फाउंडेशन था। बट इतना इजीली या तो हमें दोनों हैंड यूज़ करना है, बट मुझे था कि एक साइड मैं हैंड से इसको लगाऊंगी और दूसरी साइड मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी। तो गाइस ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है कि वो फाउंडेशन को इतना प्रोडक्ट वो खा जाता है ना फाउंडेशन, तो गाइस आप देख सकते हैं इतना ईजिली मैंने इसे फिंगर्स से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है और इधर ये थोड़ा सोख गया था। तो इसका यही एक ड्रॉबैक है, पहले आप इसको एक साइड अप्लाई करें फिर दूसरी साइड अप्लाई करें, ये बहुत जल्दी सोख जाता है। तो बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इससे लगाने के बाद मुझे कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए थी तो मैंने इसी को दोबारा से अप्लाई कर लिया, अंडर आई भी मैंने इसी को अप्लाई किया, मैंने कोई यहाँ पर कंसीलर नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे ये फाउंडेशन ठीक लगा, बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइज, आप भी इसको ले सकते हैं। और इस पर मेरा जो शेड था वो था वाउसन था, बहुत था। और अब जो मेरा ये प्रोसेस हुआ है इसके बाद मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि मैंने इसको फिंगर्स पे हेल्प से ही अपनी अंडर आई भी अप्लाई किया क्योंकि मुझे डार्क सर्कल इशू था और उसी से मुझे अच्छी कवरेज मिल गई। तो अब मेरा जो फाउंडेशन है वो लग चुका है।
और देखिएगा यहाँ पे मैं फिंगर्स की हेल्प से ही इसको इजीली ब्लेंड भी कर रही हूँ, बहुत इजीली ये ब्लेंड भी हो रहा है। मुझे एक्स्ट्रा कवरेज के लिए कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी से जितने भी मेरे डार्क सर्कल हैं, जितने भी मेरे पिंपल एक्ने या जितने भी मेरे फेस पे जितने भी मुझे पिगमेंटेशन का इशू था, सारा का सारा इसी से इजीली सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस, मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है ये मेरा, मैंने ये सेकेंड टाइम ट्राई किया है। तो अब फाउंडेशन लगने के बाद अब मैं इसको अच्छे से टैप टैप करके अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मेरा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा मेरा यहाँ पे अपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना, क्योंकि जब भी हम कभी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उसके जस्ट बाद ही हमें कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेना चाहिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, कोई हार्श लाइन ना आए और हमारा जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल इवनली सेट हो जाए। तो अभी जो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो जो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ किया है वो मैंने मेबलिन का यूज़ किया है। गाइस आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ मेबलिन प्रोडक्ट, मुझे मेबलिन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो अपनी आईब्रो को फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कैमलियन की आईब्रो पेंसिल। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट नेचुरल शेप जो है मेरी आईब्रो की उसी को फिल कर रही हूँ, जितना भी गैप है उसको फिल कर रही हूँ। और इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि मेरी आईब्रो इवन लगेंगी, मैं कोई अलग से एक्स्ट्रा आईब्रो को फिल नहीं कर रही हूँ, जो मेरी नेचुरल शेप है बस उसी को जो भी उसमें एक्स्ट्रा गैप है उसको फिल कर रही हूँ और उसको इस पॉली की हेल्प से अच्छे से सेट कर रही हूँ। अब आईब्रो सेट हो गई है, फाउंडेशन लग गया है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो अब हम उसकी साइड चलते हैं। तो अभी आईब्रो मुझे थोड़ी सी यहाँ से थोड़े लाइट लग रही थी तो मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, आईब्रो भी अच्छे से फिल हो चुकी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा यहाँ पे मैं थोड़ा स्मोकी लुक करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो ये जो काजल है ये स्ट्रे क्यूरकी का है, उसकी मुझे एक गंदी वाला फीडबैक ये लगा कि ये बहुत लाइट था, लाइक मैं सोच रही थी इसी से काम चला लूँगी, इसी से मैं अपना स्मोकी लुक क्रिएट कर लूँगी, बट ये बहुत लाइट था। और इसके बाद फिर मैंने सोचा चल ठीक है अब शुरू हो गया, कर ही लिया तो ठीक है ना ट्राई करते हैं। तो ये बहुत लाइट था, देख रहे हैं आप, ये गाइस इतना ब्लैक नहीं था कि लाइक बहुत डार्क ब्लैक है, बहुत लाइट काजल था ये। तो मैं क्या करूँगी, अपनी आईलिड पे पहले मैं काजल को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मुझे स्मोकी लुक चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी आईलिड पे इस काजल को लगा लूँगी, सिर्फ आईलिड पे ही लगाना है। और इसे मैं आईलिड पे अच्छे से लगाने के बाद दोनों साइड में इक्वली लगाऊंगी और उसके बाद एक फ्लैट ब्रश लूँगी और उसको अच्छे से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश लूँगी, जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं कलर बार का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। दूसरी मुझे इसका एक मुझे ये इसलिए अच्छा नहीं लगा, ये बहुत जल्दी बहुत जल्दी लाइट हो गया था आप देख रहे हैं। और इसके बाद मेरा मेकअप लाइक बहुत ज़्यादा आई मेकअप में मुझे थोड़ा ये लगा कि बहुत जल्दी ये लाइट भी हो गया था, बट मैंने इसको फिर भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मैं कहा यार क्या बीच में मेकअप छोड़ूं, अब जब कर ही रही हूँ ट्राई तो फिर लास्ट तक करते हैं, देखते हैं क्या लुक क्रिएट होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसको फिर कोई भी नहीं, फिर भी लाइट वेट लाइट था तो सही था। उसके बाद मैंने इस पर क्या किया, मुझे बहुत लाइट लग रहा था, मैंने कैमलियन के आई शेडो पैलेट से थोड़ा ये स्पार्कल वाला आई शेडो था तो मैंने इसको उसके ऊपर फ्लैट ब्रश से उसको लगा लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट मेरे को अपनी जो मुझे अपनी आई क्रीज लाइन पे मुझे अपने आई मुझे क्रीज पे अपनी एक आई शेडो अप्लाई करना था। तो मैंने अपनी क्रीज पे लगाने के लिए यहाँ से मैंने हल्का सा पिंक शेड अप्लाई किया, ये थोड़ा डार्क लग रहा है बट लास्ट में आके बिल्कुल बिल्कुल लाइट हो गया था, क्योंकि कैमलियन का जो इसमें मैंने जो चूज़ किया था वो अपने ब्लशर जो मेरा ब्लशर पैलेट है उसमें से मैंने ये शेड पिक किया था। और इसे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही लगा रही हूँ अपनी आई क्रीज पे। तो लास्ट में ये बिल्कुल लाइट हो गया था बट अभी ये पूरा डार्क लग रहा है। क्यों डार्क लग रहा है, क्योंकि मेरा जो ब्लैक कलर था वो बहुत लाइट है और लाइट के सामने ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था, अदरवाइज़ ये बहुत बाद में आके अच्छे से मर्ज हो गया था। और ये बाद में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा सही लग रहा था बट वो ये ना काजल में थोड़ा इशू हो गया तो फिर ये ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करने के बाद अब मैंने फिर से यही काजल मैंने सोचा क्या आई लाइनर अप्लाई करूँ, इसी को ट्राई करती हूँ। फिर मैंने यही वाला स्टे करके का जो काजल है इसी से मैंने अपना आईलाइनर ड्रॉ किया, इसी से मैंने अच्छे से आईलाइनर लगा लिया। और इसको लगाने के बाद अब मैं इसको
दोनों साइड इवनली लगा लूँगी। मैंने थोड़ा सा इसमें विंग्ड ट्राई, तो अब मैंने अपना काजल लगा लिया है। काजल लगाने के बाद अब मैंने ये अपना आईलाइनर लगाया है और मैंने अपनी लोअर लैश लाइन और जो मेरे लोअर लैश लाइन है उस पर मैंने ये अप्लाई किया है। और उसके बाद मैंने अपना जो मेरा जो आईलाइनर है वो लगाया है। तो लोअर लैश लाइन पे भी बिल्कुल मुझे लाइट लग रहा था, मुझे ये काजल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको काजल को अच्छे से लगा लूँगी। काजल लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा जो वो होगा अपने फेस पे ब्लशर लगाना और हाइलाइटर लगाना। तो मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। जो मैं हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो मैं यहाँ पे मेबीलीन का यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ, लिक्विड वाला ये हाइलाइटर है। तो मैं अच्छे से हाइलाइटर लगा लूँगी अपनी चीक बोन पे और अपने फोरहेड पे, अपनी नोज़ पे। तो अब मैं अच्छे से अपना मैं अपना हाइलाइटर लगा लूँगी, हाइलाइटर अपने फोरहेड पे, जहाँ जहाँ पे भी हमारा जो मुझे हाइलाइटिंग करनी है, जो जो एरिया मुझे हाइलाइट करना है अपने फेस पे, मैं वहाँ पे अच्छे से हाइलाइटर लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे ब्लशर लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा जो लगाया है अपनी, मैंने अपने ब्रोबोन को हाईलाइट किया है। तो अब जब मैं अपने ब्रोबोन को हाईलाइट करूँगी, हाईलाइट करने के बाद हमारा जो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा ब्लशर। ब्लशर लगाऊँगी मैं कैमिलियन के आई शेडो पैलेट से। तो ये हल्का सा मुझे लगाना है, थोड़ा पीच पीच सा ये जो ब्लशर था थोड़ा पीच पीच कलर का था। अब थोड़ा थोड़ा मुझे ये लाइट लगने लगा था एंड में आके, तो मुझे लगा चल ठीक है ना यार, अब तो थोड़ा बेटर लग रहा है। तब बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। जो मैं लिपस्टिक यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ये मैं हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़, आप हो सकता है आप में से कुछ न्यू शेड अप्लाई करते होंगे, बट मैं हमेशा डेनिम के साथ डार्क शेड अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बहुत बॉल्ड लुक लगता है। मुझे हमेशा डार्क शेड ही अप्लाई करना अच्छा लगता है डेनिम शर्ट के साथ। तो मुझे ये शर्ट बहुत अच्छा लगता है। मे भी आपको एक बार डार्क लगे, बट मुझे ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ, इसीलिए मैंने ये शेड अप्लाई किया। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा जो मेकअप है, जितना भी जो ये लुक है, कितना अट्रैक्टिव और कितना कितना बोल्ड लुक लग रहा है, कितना मेकअप जो है कितना पॉपअप हो रहा है इस लिपस्टिक की वजह से। तो मेरा लुक इससे कितना पॉपअप हो रहा है, तो मुझे ये लिपस्टिक अच्छी लगी, तो मैंने इसलिए ये वाला शेड अप्लाई किया। आप इसकी जगह न्यू शेड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे जो अच्छा लगा, जो मुझे सही लगा अपने लुक के साथ, मैंने वो ट्राई किया। अब इसके बाद जो मेरा लास्ट स्टेप होगा वो होगा मेरा अपना जो मेकअप है उसको मेकअप फिक्सर की हेल्प से सेट करने का। तो यहाँ जो मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ वो NYB का है, बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही सही वाला मेकअप फिक्सर है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद फर्स्ट मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे हाफ बन बना के अपने और बालों को खोल के ये लुक भी आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं, ये आप हेयर स्टाइल इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, हेयर ओपन कर लेते हैं। तो आप डेनिम लुक के साथ दोनों हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। तो गाइज, आई होप आपको ये मेकअप पसंद आया होगा। जैसा मुझे आता है, जैसा मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो अप्लाई किया है। आप इसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरा मेकअप लुक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ इसे आप भी ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि तब तक घंटी को टक टक नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगी। और साथ में ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और जितने भी मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो आप भी उनको परचेज़ कर सकते हैं। और गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।